हेलो बच्चों, मैं सुधा डबरा, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप स्क्रीन में देखिएगा। ओके, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड and how many logs are in the top row? Okay, total number of logs. Logs क्या होते हैं? तो लकड़ी के आपने देखे होंगे, जब लकड़ी काटते तो इतने बड़े बड़े, जब पेड़ काटा जाता है तो इतने बड़े बड़े जो रोल्स टाइप की जो ब्रांचेज जो कट कर आती हैं वो लॉग्स होते हैं। तो जो लकड़ी के जो लॉग्स हैं उनको किस तरह से रखा गया है, तो बॉटम में आप अपनी बुक में देख सकते हैं इस फिगर को, कि पहले बॉटम में 20 लॉग्स रखे गए, 20 के ऊपर फिर 19 लॉग्स, फिर 18 लॉग्स, ठीक है, इस तरह से रखे गए। तो इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, तो हमें ये बताना है कि टोटल 200 लॉग्स जो हैं उनको जब हम इस सीरीज में इस तरह से रखते जाएंगे तो कितने रोज बनेंगे। ओके, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर ऑन द टॉप रो, और टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। ओके, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं, 200 है। आपको तो खुद ही गिवन है SN 200 लॉग्स हैं, तो बच्चों SN हमें 200 गिवन है। ओके, और जो हमें रोज दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, कि जो बॉटम में जो लॉग है उसमें 20 लॉग्स रखे गए हैं, फिर 19 लॉग्स रखे गए हैं, और फिर 18 लॉग्स रखे गए हैं, एंड सो ऑन, और ऐसे करते करते, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस तरह से जब लॉक्स रखे गए हैं, रोज बनाए गए हैं, तो ऐसे में लास्ट में जो रो आएगी, पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि कितने रोज बने। जैसे ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, तो ये कौन से रो पे आएगा। तो ये हो गया A1, A2, A3 और ये हो गया AN। और दूसरी चीज़ हमें ये फाइंड आउट करनी है कि जो लास्ट रो जो सबसे टॉप में बनेगी उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने होंगे, हमें ये भी फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए फिर हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो D हमारे पास यहाँ पे दिख ही रहा है, A2 माइनस A1 कितना हो गया, A2 है 19 माइनस A1 कितना है 20, आंसर आ गया माइनस 1। ओके, नाउ अब हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। SN इक्वल टू N अपॉन 2 ब्रैकेट 2 A प्लस N माइनस 1 D। ओके, नाउ S, N हमें नहीं पता लेकिन SN हमें पता है बच्चों, 200 लॉग्स, तो 200 यहाँ लिख देंगे। N हमें नहीं पता अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई A फर्स्ट टर्म है, दैट इज 20 प्लस N मुझे नहीं पता माइनस 1, D कितना है माइनस 1। चलो कैलकुलेट करते हैं, तो 200 इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40, देखो माइनस 1 को N से मल्टीप्लाई करोगे प्लस N से, तो माइनस N आएगा, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 1 आएगा। ओके, ऐसा कीजिए, एन अपॉन 2 और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को इसके पास ले जा सकते हैं और 200 से इसकी मल्टीप्लाई की जा सकती है। ओके, 200 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एन ब्रैकेट 40 को 1 से प्लस करो तो 41 माइनस 1 आ गया। यहाँ तक आप बच्चों को क्लियर हो गया। ओके, नाउ ये कितना हो जाएगा, 400 इक्वल टू 41 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो 41 n माइनस n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर। ओके, देखो बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब आप क्या करोगे, 41 n और माइनस n स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो जब आप इनको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस 41 n और 400 तो अपनी ही प्लेस में अपनी ही जगह पे, तो प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पे एन स्क्वायर के पास क्या है, 1 है, तो 1 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, और 400 के आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, ओके, ये सभी फैक्टर्स आ गए। अब इन्हीं का यूज़ करते हुए हमें 41 लाना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 5 5 25 2 2 4 4 8 8 2 16, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, हाँ देखो बच्चों आ गया 41 आ गया,
करेंगे एन स्क्वायर माइनस 41 का जब फैक्टर किए तो हमारे पास आ गया 25 एन प्लस 16 एन, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 400 इक्वल टू जीरो। एन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनके साइन चेंज जाएंगे, माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 इक्वल टू जीरो। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन, तो इन दो में, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, एन 25 में से एन बाहर तो 25 माइनस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 16 कॉमन है ब्रैकेट, इन दोनों में से 16 बाहर तो अंदर ब्रैकेट में एन हो जाएगा, प्लस में से माइनस बाहर है तो माइनस रह जाएगा और 25। अब इसमें उसमें क्या कॉमन है, एन माइनस 25 और एन माइनस 16 इक्वल्स टू जीरो। अब इनको हम जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो एन माइनस 25 इक्वल्स टू जीरो, एन इक्वल्स टू 25, फिर n माइनस 16 इक्वल्स टू, n माइनस 16 इक्वल्स टू जीरो, तो n इक्वल्स टू 16। यहाँ देखो, या तो टोटल नंबर ऑफ जो लॉग, जो रोज बनी हैं, या तो 25 होंगी या तो 16 होंगी, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे, क्योंकि ना तो या तो 25 ही रोज बन सकती है, तो फिर 16 ही रोज बन सकती है, इनमें से एक ही रोज, एक ही नंबर ऑफ रोज हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनी है, तो या तो टोटल नंबर ऑफ रोज 25 होंगी या तो टोटल नंबर ऑफ रोज 16 होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि 16 भी रोज बन सकती हैं, 25 भी टोटल नंबर ऑफ रोज बन सकती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार n की वैल्यू 25 लेके चलेंगे और एक बार n की वैल्यू हम 16 लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा, तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम, हमारे पास जो n आया था वो था एक 25 भी था और n इक्वल टू 16, ये दो ऑप्शन आए थे, हम इनको रख कर सॉल्व करते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज कौन से हो सकते हैं। ए एन का फॉर्म रहा, तो ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर मैं ए एन 25 लूँ, एन नंबर ऑफ रोज कितने बने, मान लीजिए 25 मैं लेकर चल रही हूँ, तो ए कितना मेरे पास 20 प्लस एन 25 माइनस वन, और डी मेरे पास कितना आया था, हाँ डी मैंने रब कर दिया है, तो मैं डी यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, तो डी इक्वल्स टू कितना आया था मेरे पास, माइनस वन आया था, आपको याद होगा, ओके। नाउ ए 25 इक्वल्स टू 20, देखो 25 में से 1 माइनस किया तो 24 आया, और 24 को मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24 आया, तो ए 25 इक्वल्स टू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस 4 आ रहा। तो बच्चों अगर टोटल नंबर ऑफ रोज 25 है, या और 25 अगर टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, तो हमारे पास ये बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ लॉग्स, जो टॉप में जो लॉग आएगा वो माइनस 4 होगा, नहीं हो सकता माइनस 4 नहीं हो सकता लॉग्स, तो ये आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ लॉग, सॉरी टोटल नंबर ऑफ रोज जो है 25 नहीं है, ओके। अब हम एन 16 लेकर सॉल्व करेंगे, तो हम यही एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन 16 इक्वल टू, ए हमारे पास ए वन फर्स्ट टर्म कितना है 20 प्लस एन हमारे पास 16 माइनस वन, और डी आगे माइनस वन। नाउ ए 16 इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस वन इज 15, और 15 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15, तो ए 16 इक्वल टू आंसर कितना है 5। हाँ बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास आंसर है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ रो 16 मानते हैं, तो हमारे पास ये आया कि 16th रो में 5 लॉग्स होंगी। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये 5 जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज जो हैं 16 है, और टॉप रो यानी कि जो टॉप रो, जो 16th रो है, ओके, जो टॉप में है वो 5 है, उसमें नंबर ऑफ लॉग्स 5 है, ओके। और हमने क्वेश्चन 19 फिनिश कर दिया है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए ओके बच्चों।